लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और सब्सक्राइब करें। सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। क्यों मायूस रह गई वह दुल्हन, आखिर क्यों बिना दुल्हन लौटा वह दूल्हा, इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश की योगी सरकार बेशक निशुल्क कन्या विवाह करा रही हो, लेकिन आज भी कई बेटियों की बारात दहेज के चलते दरवाजे से लौट रही है। आपको बता दें, जौनपुर के गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के बजारेपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां पर आई हुई बारात दुल्हन को बिना लिए लौट गई। खुशियों का माहौल था, वहीं बारात लौटने से कन्या पक्ष के लोगों में मायूसी छा गई। जौनपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के बंजारेपुर गांव निवासी रामगोपाल सेठ की लड़की की शादी 11 फरवरी को थी। बारात पूरी उमंग से चली, दूल्हा घोड़े पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ निकला। जब बारात दुल्हन के दरवाजे पहुंची तो कन्या पक्ष के लोगों ने बारातियों का स्वागत भी बहुत धूमधाम से किया। कन्या पक्ष के लोगों द्वारा दुल्हन के जयमाल के बाद से लेके फेरों तक की रस्म को सकुशल निपटाया गया। बारातियों के स्वागत में कन्या पक्ष लगा नजर आया। जब दूल्हा सुबह खिचड़ी रस्म के लिए बैठा तो उसने दहेज में कार की मांग कर डाली। कार न मिलती देख दूल्हे ने दुल्हन को विदा कराने से इनकार कर दिया। दूल्हे के फैसले के बाद कन्या पक्ष में हड़कंप समझ गया, लोग समझाने बुझाने में जुट गए। पंचायत के बाद भी मामले का हल न निकलने के बाद बाबुल के घर से बेटी की विदा ना हो सकी। दुल्हन के बगैर बारात वापस लौट गई। बारात वापस लौटने की वजह से गांव में मायूसी छा गई। कन्या पक्ष के काफी समझाने बुझाने के बाद भी दूल्हा पक्ष नहीं माना। दुल्हन के बिना बारात लौटने से दुल्हन पक्ष ने लड़की की विदाई की मांग व खर्चे को लेकर लड़के पक्ष से मांग की। मामला पड़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्षों को शांत कराकर मामले को सुलझाने में जुट गई, लेकिन पुलिस की भी बात का कोई असर होता नजर नहीं आया। वहीं कन्या पक्ष पुलिस से न्याय की गुहार लगाता रहा। रात में भी ड्रामा भय, लोग पी के गाली फक्कड़ दे तो वो बर्दाश्त के गए, वो गमला तोड़ देना गाड़ी फक्का हमके फिर भी ओके हमके ज्यादा। फिर ओके बाद दिन में खिचड़ी पर लड़का उठ भागत हो जौन हमर श्रद्धा ने हम देत रही है देने के बावजूद भी इतना ड्रामा भैल और लड़का उठ के भागत हो। कारण यही था, लड़के की मांग क्या थी? लड़के की मांग नहीं थी, उसका बाप कह रहा था फोर व्हीलर की बात, उसी पर लड़का भाग गया। लड़का भी कह रहा था कि फोर व्हीलर की मांग रहे थे और बहुत लालची भी है वो लोग। कौन दहेज मांग रहा था? मेरे ससुर और हस्बैंड और मेरी सास भी वैसे ही हैं। क्या मांग रहे थे दहेज में? फोर व्हीलर मांग रहे थे और फोन पे भी बहुत गंदा गंदा शब्द बोल रहे थे। इसलिए हमने क्या आप उस परिवार में जाना पसंद करेंगे? नहीं। क्यों? अभी से इतना सब कुछ कर रहे हैं, जाने के बाद क्या करेंगे? और धमकी भी देते हैं, आने के बाद बताएंगे। हस्बैंड भी बोलते हैं, ननद भी बोलती है कि उनके उनकी मांग इतना ज़्यादा थी। जब लड़का को खिचड़ी अंगना में खिलाने के लिए बैठे, हमारे बड़े भाई ने मान लीजिए एक अंगूठी इनको पहनाया गया, एक चैन एक अंगूठी इनको पहनाया गया। उसके बाद हमारे बड़े भाई पंडित जी बोले कि इनको अपने हाथ से अनिल खिचड़ी खिला दीजिए आप। तो अनिल हमारे बड़े भाई हाथ से खिचड़ी खिलाने के लिए गए तो लड़का खड़ा होकर तंतना गया कि हम खिचड़ी नहीं खाएंगे। तो हमारे पिताजी बोले कि क्यों नहीं खाएंगे आप? तो लड़के के बाप ने बोला आप नहीं देंगे तो आपकी हम आपसे जबरदस्ती गाली ले लेंगे। मैं मतलब इतना तक झक करने लगे फिर भी कोई इतना मतलब उनके बात के लिए नहीं हुआ कि पापा बोले कि खिचड़ी खा लीजिए, जो भी है हम लोग खुद ही सामान दे रहे हैं। अभी तो बहुत टाइम है बेटा, हम आपकी हर मांग को पूरी करेंगे। लेकिन वो लोग इतना जिद पे आ गए, सोचे कि हमको इसी टाइम पे बोल रहे हैं कि बचपन से लेके हम इतना बड़ा किए हैं, आज देखते हैं तुम्हारे पापा कितना इनको दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ दूल्हे के पिता का कहना है कि दहेज की मांग नहीं की गई थी, खिचड़ी रस्म के दौरान तूतू मैमे को लेकर मामला बढ़ता चला गया। बारात क्यों नहीं गई? मेरा औकात देने लगे, मुझसे उनको दबाने लगे। बस किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, जैसे माए लड़के को माए जो दिए लड़का थोड़ा शादी विवाह में थोड़ा भाई इधर उधर होता है, माने साथ से माने सलवाएं सारा ये सब मजाक होता है। बस यही बात है, इसे थोड़ा लड़का हमारा खड़ा हो गया, ये उखड़ गया और कोई बात नहीं। कोई हम लेन देन साथ सूझ कोई बात ही नहीं हुई, कहीं से हम कहें आप बात ही नहीं की है कभी, इनको आप दीजिए।
अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक दहेज रूपी दानव का शिकार होती रहेंगी बेटियां? यदि समय को देखते हुए प्रशासन दहेज लोभियों पर कठोर कार्रवाई नहीं कर पाया तो आने वाले दिनों में बेटियां अपने आप को अफसाप मानने से भी इनकार नहीं कर पाएंगी। जौनपुर से टीम टीवी 30 इंडिया के साथ विवेक कुमार की रिपोर्ट। अपने आसपास हो रही किसी भी असामाजिक घटना को भेजें हमारे पास और बने समाज के प्रति जिम्मेदार। हम आपकी आवाज़ को पहुंचाएंगे महकमों से जुड़े जिम्मेदारों तक। हमें मेल करें support@tv30india.com पर या हमें व्हाट्सएप करें 9758766843 पर। और साथ ही टीवी 30 डिजिटल मीडिया नेटवर्क के यूट्यूब चैनल टीवी 30 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।